Hello students, welcome here again on my channel Jankari with myself with Abhilashi Sharma. Today I am going to discuss with you very important facts and surprising facts about commerce. Try to see the video incomplete till end, then you will get really very surprising facts and very important concepts about commerce. Let's move ahead with me to discuss today's content. Yes students, एक गलती आन रखो, वीडियो नो शुरू तो लेके एंड तक देखो, only then you can get maximum surprising and important facts. First fact I am going to discuss here is, who is known as father of commerce? Who is known as father of commerce? Commerce दा पितामह किसनो मन्या जांदा students? The answer is Poseidon. Poseidon is known as father of commerce. According to Greek mythology, he is the god of sea and used for trading. Trading is very significant to commerce, so he is still regarded as father of commerce. Aaj bhi Poseidon nu father of commerce de naam naal jaande hain. Now the second fact. Dhyan naal. Who is known as father of accountancy? अकाउंटेंसी का पितामह किसनु मन्या जाता है? यस स्टूडेंट्स, लुका पिसोली. लुका पिसोली इज नॉन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी. लुका पिसोली का जो पूरा नाम है स्टूडेंट्स ध्यान नाल, लुका बार्टोलोमियो डी पिसोली. लुका बार्टोलोमियो डी पिसोली, ही वॉज एन इटालियन. इटली का सी लुका पिसोली. उसने ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साडे सामने लेके आंदा अबाउट बुक कीपिंग. दैट इज वाई ही इज नॉन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी. यस स्टूडेंट्स, इस दे नाल रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटेंसी डे और अकाउंटिंग डे? दुनिया दे विच इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे किस दिन नू मनाया जाता है? That is on each of 10th of November. हर साल 10 November नू International Accounting Day दे रूप च मनाया जांदा है. इस दे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक हिस्ट्री है जिसका एक बैकग्राउंड जिस दे नाल ये दिन मनाया गया. उसी फादर ऑफ अकाउंटेंसी लुका पिसोली नू मनाया जांदा है. लुका पिसोली एक बड़ा ही फेमस मैथमेटिशियन रहा. उन्होंने एक बुक लिखी सुमा, एस यू डबल एम ए सुमा. लुका पिसोली ने यह बुक जो लिखी, इस दे पब्लिश होने की डेट 10 नवंबर 1494 सी. सो हर साल 10 नवंबर नू एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे दे रूप दे विच मनाया जाता है. फर्स्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कदों मनाया गया? यस, नेक्स्ट फैक्ट, वन वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेटेड? स्टूडेंट, जो फर्स्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सी वो 10 नवंबर 1972 नू 10th of November 1972 नू सेलिब्रेट किया गया सैन डियागो दे विच. कैलिफोर्निया दी एक सोसाइटी सी IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स. उन्हें उस सोसाइटी ने फर्स्ट टाइम दुनिया के सारे अकाउंटेंट्स दे लई उन्हां दीआं प्रॉब्लम्स की ने वो आपस मिल सकन, इस दे रिगार्डिंग नवीं अपडेशन की ने, गवर्नमेंट से नवे लॉज की ने, इन्हां दे रिगार्डिंग आपस दे विच इक कोआर्डिनेशन दा व्यवहार अकाउंटेंट्स दे विच होवे. 10 नवंबर 1972 तो वो दिन मनान लगे. अज भी हर साल 10 नवंबर नू इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे दे रूप दे विच मनाया जांदा है. क्लियर? ते ए दिन समर्पित सी 10 नवंबर दा दिन 10 नवंबर 1492 नू, वेन द बुक ऑफ लुका पिसोली सुमा वाज पब्लिश्ड. क्लियर? यस, है ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स? अनदर फैक्ट अबाउट बुक कीपिंग. यस, की सरप्राइज है बुक कीपिंग, आओ जानिए. जस्ट सी बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश विद थ्री कंसेक्टिव सेट्स ऑफ डबल लेटर्स. थ्री
कंजेक्टिव सेट्स ऑफ डबल लेटर्स, तीन लगातार दो दो लेटर्स दे सेट ने। स्पेलिंग देखो, बी तो बाद डबल ओ, डबल के, डबल ई, इट्स ओनली इंग्लिश लेटर, है ना सरप्राइज। आओ एक और सरप्राइज देख दे। स्टूडेंट्स, कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट, प्रबंधन, उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पितामह किसन मनिया जाता है, पीटर एफ ड्रकर, ध्यान नाल, पीटर एफ ड्रकर इज नॉन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। एक अस्टरियन से जो अस्टरिया के उसका जन्म होया, अमेरिकन मैनेजमेंट का बड़ा ग्रेट ग्रेट फिलोसफर या थिंकर सी, प्रोफेसर सी, एक ऑथर सी, पीटर एफ ड्रकर इज नॉन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मैनेजमेंट, ही फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थीरी, आधुनिक मैनेजमेंट थीरी का फादर किसन मनिया जाता है, दैट इज हैनरी फ्योल। हैनरी फ्योल इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थीरी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मैनेजमेंट, हु इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द आंसर इज एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर पूरा नाम की है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक तो एफ, डब्ल्यू तो है विंसलो टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है इंपॉर्टेंट फैक्ट। यस, कॉमर्स के विच एक सब्जेक्ट असं इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करते हैं, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आंसर इज एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। यस स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, व्हाई लायबिलिटी साइड इन अ बैलेंस शीट कम्स ऑन लेफ्ट साइड। जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जो प्लस वन के नवे स्टूडेंट्स ने, उन्होंने बाद के बैलेंस शीट बनानी पैंती है, तो बैलेंस शीट की लैफ्ट साइड से लायबिलिटीज आदि ने, वाई सो, एसेट्स क्यों नहीं? यस, अजकल तो कंप्यूटर के उत्ते एसेट्स से जो लायबिलिटीज ने उन्होंने सैपरेट स्टेटमेंट्स बना लिया जाएं, बट जो ट्रडिशनल फॉरमेट है जो बैलेंस शीट बनाते हैं लैफ्ट साइड से लायबिलिटीज आदि है, कारण समझो, इहदा मेन कारण यह है कि कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस सब तो पहला पैसा अरेंज किया जाता है, जो बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस एज अ कैपीटल, कैपीटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि पहला लाइबिलिटीज क्रिएट होती ने, ता ही बिजनेसमैन एसेट्स क्रिएट कर पाता है। दैट इज़ वाई जो लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के किसी भी नोटबुक देते, तो लेफ्ट साइड तो लिखना शुरू कर दें, तो पहला लाइबिलिटीज में लिखने की एक योजी कन्वेंशन पई, परंपरा पई, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है ना इंपॉर्टेंट, सरप्राइजिंग भी है ना। स्टूडेंट्स, कॉमर्स तो बाद जनरली डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट सैटल डाउन करते हैं एज अ प्रोफेसनल, तो बड़े सक्सैसफुल प्रोफेसनल बनते हैं। उन्होंने प्रोफेसनल एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेसन है अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट को इस तरह ही ना मनो, अकाउंटेंट दुनिया के बड़े सक्सैसफुल परसनैलिटीज रही ने, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें दसदा, अकाउंटेंट इनवेंटर्स भी रहे ने, जिमें उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण अकाउंटेंट होया जो एक इनवेंटर भी बनया, वो है वाल्टर ई डायमर। वाल्टर ई डायमर ही वॉज द इनवेंटर ऑफ बबल गम। यस, जो तुम बबल गम च्यू करते हो ना, उसनों बनाने वाला एक अकाउंटेंट ही सी, जो च्यूंगम की एक फैक्ट्री के काम करता सी एज ए अकाउंटेंट, उथे ही उसके स्टफ के इसने लिटल चेंज करके दिखाया, तो दुनिया के वास्ते बबल गम इनवेंट करती। स्टूडेंट्स, वाल्टर ई डायमर ने 1928 के बबल गम नो इनवेंट किया। अकाउंटेंट सी दुनिया के कला सिर्फ वाल्टर ई डायमर नहीं, बहुत सारिया परसनैलिटीज हुई ने। एक होर बड़े दुनिया के सक्सैसफुल शू ब्रांड की मैं गल करना, नाइकी, एन आई के ई, नाइकी दी, नाइकी जो दुनिया का सब तो ज़्यादा लार्जेस्ट शूज की मार्केट का ओनर है, इसका जो ओनर सी जिसने नाइकी ब्रांड दुनिया के लेके आया शू की मैन्युफैक्चरिंग दे विच, वो भी एक अकाउंटेंट सी। द नेम ऑफ द ओनर ऑफ नाइकी इज फिल नाइट, फिल नाइट, फिल नाइट इट
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਚ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਪਲੇਅਰਸ, ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਐਥਲੀਟ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਐਥਲੀਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਅ ਬਿਗ ਬਿਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਾਮਰਸ ਮੀਨਸ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਰਜ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਐਜ਼ ਅ ਬੂਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨਾ। ਛੋਟੀ ਜੋਬਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੋਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਫੇਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਾਮਰਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਬੀ ਬੀ ਏ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੀ ਏ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਬੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਮੇਕਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਯੈਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਲਾਰਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਦੇ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆਈ ਐਮਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਬੀ ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜੇਕਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਆਈ ਐਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜੋ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਸਟ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਾਮਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਕਾਮਰਸ, ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਾਮਰਸ, ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਡ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰ ਅ ਬਿਗਨਰ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਫ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਟਫ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਈ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਡਸ ਟੂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੀਸਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ,
बैंकिंग सैक्टर के बैंक्स के दुनिया के लैवल के उत्ते की चेंज हो रहा है, प्राइवेट से पब्लिक सैक्टर के बैंक की चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक फील्ड के दुनिया की इकोनमी की पोजिशन की है, इस बारे थोड़ी न्यूज़ जरूर पढ़ो। घट्टो घट हफ्ते के एक बार जरूर प्रोपर न्यूज़पेपर के जो आर्थिकता नाल संबंधित न्यूज़ ने उन्होंने जरूर पढ़ो जेकर तुसी इहोजा कर पाए। स्टूडेंट्स, दैन यू आर नॉट ओनली जस्ट डूइंग कॉमर्स, रादर यू आर आल्सो गोइंग टू फील दैट यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। ता ही तो मैं कह रहा स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉमर्स करनी नहीं, अपने आप को कॉमर्स के स्टूडेंट्स महसूस भी करवाना है, ता ही तुसी बहुत अगे बढ़ पाओगे। वन थिंग मोर, कॉमर्स ही केवल साढ़े अपने देश नहीं, क्योंकि साड़ा देश बड़ी जल्दी प्राइवेट सैक्टर के होर ज़्यादा अगे बढ़ रहे, प्राइवेट सैक्टर के जो प्रोफेसनल्स ने उन्होंने कॉमर्स स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी डिमांड है। उसके नाल नाल जो अजक फॉरन के जान का एक ट्रेंड भी है, डिमांड भी है इंटरनेशनल लैवल के उत्ते, उत्थे बिजनेस न रिलेटड जिन्ना भी डिप्लोमाज ने डिग्रीज ने वो मैक्सीम ऑन डिमांड ने। सो थोड़ा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है स्टूडेंट, अगे वधो, मजबूत इरादे नाल वधो, एंड यू विल बी ए वेरी परफेक्ट प्रोफेशनल इन कॉमर्स स्ट्रीम। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कंसेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टू। सारा कुछ क्लीयर हो गया होएगा, अपने इरादों नू होर मजबूत कर लिया होएगा। इस चैनल पर जानकारी ही चैनल पर बहुत सारिया वीडियोज़ ऑलरेडी ने, आने वाले समय से वीडियोज़ कॉन्टीन्यू आने विद परफेक्ट कॉन्टेंट ऑफ नॉलेज एंड मोटिवेशन। जो ऑलरेडी वीडियोज़ ने उन्होंने भी देखो, आने वाले समय दीडियोज़ का इंतजार भी करो, उन्होंने भी देखो। टेल दैन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।